सोलन जिले में नालागढ़ में दो नेशनल हाईवे जल्द बनाए जाएंगे, जिसको लेकर नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की और हाईवे के निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से दोनों मार्गों का प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और तकरीबन एक साल तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जो हमने नेशनल हाईवे प्रपोज की है, जो हमारे केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनसे हमने मिलकर लगभग दो साल पहले नेशनल हाईवे दो हमने सेंक्शन करवाए थे। एक हमारा ढेरोवाल नालागढ़ रामशहर कुनिहार और शिमला, एक तो ये है, और दूसरा है नालागढ़ दोहोटा से ऊपर टिब्बी, मतलब टिब्बी थोड़ा आगे भांगला टिब्बी, और उसके आगे हम निकलेंगे इधर कश्मीरपुर को, कश्मीरपुर से आगे बघेरी, बघेरी से खाती वाला मोड़। तो इन सड़कों को जो है उन सड़कों की अप्रेजल है जो प्रपोज अलाइनमेंट और डिस्कस की इनके साथ फाइनल करने के लिए, और हम बहुत जल्दी इन दोनों सड़कों को नेशनल हाईवे बनाएंगे ताकि चंगर और पहाड़ क्षेत्र के जो हमारे हजारों हजारों के जो लोग हैं उनके ट्रक्स हैं या उनके और भी जितनी प्रॉब्लम है सब उससे सॉल्व होगी। और हिमाचल जो रोड है ये दोहोटा से होकर हिमाचल रोड निकलेगी, पंजाब में जो गड़ा मोड़ों को निकलेगी हिमाचल एंट्री करेगी, ताकि जो हमारा टोल टैक्स भी बचेगा और लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा रोड बनाएंगे। सर कब से शुरू हो रही है ये? अभी तो इसकी जो अलाइनमेंट है उसका फाइनल करने का आज पर थी डिस्कशन थी, वो फाइनल होगी, इसके बाद दिल्ली से अलाइनमेंट अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद DPR बनेगी। DPR बनने के बाद आगे प्रोसेस है, इसको तो मुझे लगता है अभी एक साल लग जाएगा, पर यह रोड जरूर बनेंगे, लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट टोटल, प्रोजेक्ट कॉस्ट भी अभी टेंटेटिव भी है, मुझे लगता लगभग 100 crore में होगी, मैं लगभग हो सकता है 200-300 crore हो, अभी प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनल नहीं हुई है, अभी अलाइनमेंट फाइनल होगी उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइनल होगी, परंतु ये हम कह सकते हैं कि 200-500 crore के बीच में होगी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।